क्यों राजा कैसे बने? वो अपने महल में जाके अपने जानने वालों से पूछा करता कि वो राजा कैसे बना, पर किसी के पास उसके सवालों का कोई सही जवाब ना होता तो राजा परेशान हो। एक बार राजा के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना सारी प्रजा को एकत्र किया जाए और एक बड़े से इनाम की घोषणा कर दी जाए। और इसके बाद जो हुआ वो कुछ इस प्रकार हुआ। I'm
निकला तो उसका अंजाम क्या होगा? जी महाराज। तो बताओ कि मैं राजा कैसे बना? यहाँ से 500 कोस दूर एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, जिनको इस सवाल का सही जवाब पता है कि आप राजा जी कैसे बने। पर मैं उस बूढ़ी अम्मा को पहचानूंगा कैसे? महाराज आप उस गांव में पहुंचिए, वो बूढ़ी अम्मा को खुद ही पहचान लेगी। ठीक है बंदा, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहना। जी महाराज मैं जानती हूँ। पर आपको उस गांव में जाने से पहले एक साधारण इंसान बनके जाना पड़ेगा। ठीक है बन्ना। दरबान जी, राम जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप फिक्र ना करें, इस कन्या के खानदान में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर इसको उतना गलत निकला तो मैं इसका सर घर से अलग कर दूंगा। शाबाश दरबान जी, कन्या तुम जा सकती हो। जी महाराज। आओ बन्ना। दरबान जी की जय। फिर वो भिखारन मेरे पास आती है और
और मेरे से रोटी मांगती है, तो मैं कहती हूँ तुमसे अच्छा मैं रोटी किसी मंदिर में बैठी दासी को दे दूँ। तो वो भिखारन फिर से कहती है तथास्तु, फिर वो भिखारन तुम्हारे पास आती है और तुमसे रोटी मांगती है। तो तुम कहते हो माई मेरे पास एक ही रोटी है, आधी रोटी तुम मेरे से ले लो ताकि हम दोनों का पेट खाली ना रहे। तो वो भिखारन तुम्हें राजा बनने का वरदान दे देती है और इस तरीके से तुम राजा बन जाते हो। और जो कन्या तुम्हारे महल में आई थी वो वही भिखारन थी। राजा जी राजा कैसे बने? पर एक सवाल ये भी है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम लोग अपनी जिंदगी की आपाधापी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें नजर ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इंसान तो हमारी मदद की जरूरत है, पर हम पढ़ते रहते तो इंसान बने इस अहंकार को ना पाले, आपस में एक दूसरे की सहायता करें और आखिरी बात हमेशा खुश रहें।